नमस्कार, देवभूमि आई एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड में आर ओ ए आर ओ से संबंधित एक और महत्वपूर्ण मॉडल सेट आपके सामने। 100 फटाफट क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं विदाउट आंसर। थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखेंगे और लेकिन आंसर नहीं है, इस वजह से थोड़ा देर भी लगनी है। चलिए शुरुआत कर देता हूँ फटाफट से। इससे पहले हमने आर ओ ए आर ओ के 4 सेट आपके सामने रखे हुए हैं और ये 5वां सेट आपके पास आ रहा है। और जो हमारे पास आर ओ ए आर ओ से पहले जो पेपर रखे हुए हैं वो लगातार 17 तारीख से पहले आ जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण वीडियो और आपके सामने आने वाला है भारत के करंट अफेयर से संबंधित मैराथन सेकंड करके, जिसमें पूरे संपूर्ण भारत का जीएस यानी पिछले 10 से 11 महीनों का कंप्लीट एक ही वीडियो में आना है। उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो हम आपके पास रख चुके हैं लेकिन उसका सब्जेक्टिव फॉर्म अभी तक नहीं आ पाया है। और इसी कड़ी में दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो हमारी बुकों को ले रहे हैं, यहाँ पर ये बुक्स फिर से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इससे पहले ऑल इन वन इसका नाम है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि बुक का नाम क्या है, तो ऑल इन वन इस नाम से बिक्री है। और भौगोलिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परिचय इसका नाम है। और ये अब अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत में भी जा चुकी है। इसके अलावा रुड़की, लक्सर और रुद्रपुर में, खटीमा में ये पहुँच चुकी है बुक। और गढ़वाल की बात कहूँगा तो गढ़वाल में ये श्रीनगर में है, कोटद्वार में है, और देहरादून हरिद्वार तो है ही। इसके अलावा हल्द्वानी के प्रत्येक स्टॉल में मिल जाएगी आपको। उसके बाद ऑनलाइन booknagar.com और अमेजोन से मिल रही है। बहुत सारे लोग पूछते रहते कौन कहाँ मिलेगी, हल्द्वानी में कहाँ मिलेगी या अल्मोड़ा में कहाँ मिलेगी। अल्मोड़ा में जोशी पुस्तक भंडार और पिथौरागढ़ में लुंठी पुस्तक भंडार, देहरादून में डिस्पेंसरी रोड, इंदर रोड और इंदिरा पुस्तक भंडार, बहुत सारे ऐसे नाम जो हमें बताए गए वहाँ से। और खटीमा में भी ये मिल रही है, तो खटीमा में भी बुक उपलब्ध है। उद्धम सिंह नगर के रुद्रपुर में बुक उपलब्ध है। अब धीरे 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 बुक हर जगह पहुँच जाएगी, अभी उत्तरकाशी में नहीं पहुँची है तो एक दो दिन वहाँ भी पहुँच जाएगी। चलिए शुरुआत करता हूँ फिर से। पहला क्वेश्चन है पहाड़ी खेती उत्तराखंड में उत्तराखंड में खान पान की संस्कृति और 12 नाजा किसकी पुस्तक हैं। उत्तराखंड से क्वेश्चन है पहला ही, जगत सिंह चौधरी, चंडी प्रसाद भट्ट, अनिल जोशी, विजय जड़दारी, ये हैं विजय जड़दारी। 12 नाजा पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है उनकी, बीज बचाओ आंदोलन के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में मामूल का संबंध किससे है। मामूल तो त्योहार है, आभूषण है, भूमिकर है, लोक नृत्य है, तो इसका आंसर होगा भूमिकर, मामूल भूमिकर से संबंधित है। चलिए थोड़ा साइज भी बढ़ाना चाहूंगा मैं, ताकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि साइज थोड़ा कम है, तो थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाते हम लोग। क्लियर दिखे आपको तो दो प्रश्न मिले हमें, पहाड़ी खेती और 12 नाजा पुस्तक विजय जड़दारी की, और दूसरा मामूल था। तीसरा है उत्तराखंड पलायन आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। वर्तमान में पूछा गया क्वेश्चन करंट का कि उत्तराखंड पलायन आयोग के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होते हैं, उसके जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं सेम, तो यहाँ पर इसके उपाध्यक्ष पूछा, तो इसका आंसर होगा शरद सिंह नेगी, इसके उपाध्यक्ष उत्तराखंड पलायन आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, पंचायती राज से संबंधित निम्न कमेटियों में कौन गलत है पूछा है। गलत है बताना आपने, अशोक मेहता समिति 1977, बलवंत राय मेहता, ये तो ठीक है दोनों, थुंगन कमेटी 1988-89, ये भी ठीक है चलेगा, इसका मतलब है सिंघवी कमेटी, ये गलत है, इसका आंसर ये होगा ए बी, पंचायती राज से संबंधित, ये सही उत्तर नहीं है मेरे ख्याल से, 86 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा, संसद, राष्ट्रपति, विधानसभा, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। जब स्पीकर का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और नई सरकार आ जाती है तो वहाँ पर प्रोटेम स्पीकर, कोई सीनियर मोस्ट विधानसभा या लोकसभा की सदस्य की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, काम चलाओ लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेंगे। इनमें कौन गलत कथन बताना है आपने, आराम से पहले इसके 4 ऑप्शन पढ़ते हैं फिर बताते हैं कि कौन गलत है। तो 4 ऑप्शन में एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, 7वां संविधान संशोधन सही है, हो सकता है। धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, लोकसभा का अधिकार है धन विधेयक पर, तो राज्यपाल नहीं कर सकता, ये भी ठीक ही है, गलत बताना आपने, कौन गलत कथन है बताना है। राज्य विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन
की अध्यक्षता राज्यपाल करता है, ये गलत है। लोकसभा अध्यक्ष सॉरी विधानसभा अध्यक्ष करेगा इसकी, यही इसका आंसर होगा। विधान परिषद का गठन का अधिकार संसद को है, ये भी ठीक है, मतलब इसका आंसर सी है। संविधान पॉलिटी का क्वेश्चन था, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां है, कौन सा कथन सही नहीं है, फिर से बताना गलत कथन। स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन मतलब मूल अधिकार में है, अनुच्छेद 19(1)(घ), कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार और आजीविका अनुच्छेद 1(च), ये गलत हो सकता है यहां पर च, क्योंकि निजता का अधिकार ये अनुच्छेद 21 ठीक है, बाल श्रम पर रोक अनुच्छेद 24 ये भी ठीक है। तो इसका आंसर बी होना है, स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार और आजीविका अनुच्छेद 1(6) होना चाहिए, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, विश्व इतिहास का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 1688। 8 क्वेश्चन अब हमारे पास है फिलहाल, अब इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं, साइज बढ़ा रखा हमने। 9वां क्वेश्चन फिर से संविधान से ही संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, इनमें कौन सही है बताने अब आप। ली आयोग लोक सेवा आयोग से संबंधित है, फ्रेजर आयोग सिंचाई ये तो गलत है, पुलिस से संबंधित है फ्रेजर आयोग, इसका संबंध पुलिस से है, पुलिस व्यवस्था में सुधार लॉर्ड कर्जन के समय, ये तो नहीं हो सकता। अचिंसन आयोग अकाल ये भी गलत है, साइमन कमीशन केंद्र में द्वैत शासन ये भी गलत है, केंद्र में द्वैत शासन तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था, तो इसका मतलब ये इसका आंसर होगा ये ली आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा कथन गलत है, फिर से बताना है, गलत बताना आपको। अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन लखनऊ में हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह की स्थापना 17 अक्टूबर 1940 में हुई थी, खिलाफत दिवस 19 मार्च 1919 को मनाया गया था, तीनों सही लग रहे हैं अभी तक, पूरी तरह से सही है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन दिल्ली में HRA का गठन दिल्ली में हुआ था, कानपुर है, इसका आंसर ये गलत है, डी गलत है इसका आंसर, इसका आंसर होगा कानपुर में हुआ था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, छबील दास भगत सिंह इन लोगों ने किया था, तो कानपुर में किया था, तो इसका आंसर होगा डी, 10 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा कथन गलत है, फिर से बताना है। इस बार भूगोल का क्वेश्चन दिख रहा है, लेटा हुआ ग्रह यूरेनस सही है, उपसौर 3 जनवरी को होता है ये भी सही है, उपसौर और अपसौर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा विश्व के लगभग 7 देशों से गुजरती है ये गलत है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को किन्हीं देशों से नहीं गुजारा गया वैसे ये माना जाता है, और शुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड मंगल और बृहस्पति के मध्य होते ये भी सही है, तो ये तीनों सही थे और इसका आंसर होगा सी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि का 7 देशों से नहीं गुजरती। चलिए नेक्स्ट फिर से भूगोल का क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट किलायु कहाँ है, माउंट किलायु सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप में है, प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13, सही सुमेलित नहीं है मतलब गलत बताना, गलत है बताना आपने। मान बुकर पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है सही है, पुलित्जर प्रकाश पत्रकारिता ये भी सही है, वाचस्पति संस्कृत साहित्य ये भी सही है, धन्वंतरी विज्ञान ये गलत होगा, धन्वंतरी चिकित्सा में दिया जाता है, चिकित्सा इसका आंसर होना चाहिए चिकित्सा, तो इसका गलत ये माना है, तो कौन गलत है पूछा है मतलब सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर है डी धन्वंतरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सुमेलित नहीं है बताना है, भारत रत्न विजेता अंबेडकर 1990 सही है, मदर टेरेसा 1979 में उन्हें भारत नोबेल मिला था, और 1980 में लता मंगेशकर ये भी सही लग रहा है, भूपेन हजारिका वैसे ये सभी सही है, भारत रत्न विजेता कौन सुमेलित नहीं है मेरे हिसाब से सब सही है, ये टोटल सही है, ऑल आर राइट, सभी सही है। क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट लग रहा है तो यहाँ पर हो सकता है कोई चेंज करना हुआ होगा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, चारों सही थे टोटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के, नेक्स्ट पेज में चले गए हम लोग, फिर से एक बुक का नाम आ रहा है, इंडिया आफ्टर नेहरू किसकी पुस्तक है, इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक है कुलदीप नैयर जी की, कुलदीप नैयर। काकती वंश कहाँ शासन करता था, हिस्ट्री का क्वेश्चन फिर से, काकती वारंगल, वारंगल यानी तेलंगाना का क्षेत्र था उस समय दक्षिण भारत का। 16वां क्वेश्चन,
17 ओन सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है। हरिशेण पुस्तक है और उनके लेखक आ रहे हैं हरिशेण, हरिशेण हर्षचरित, हर्षचरित तो वाणभट्ट की है, हरिशेण की नहीं, ये गलत है, पहला ही गलत लग रहा है इसमें। संध्याकर नंदी रामपाल चरित सही है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, तहकीक हिंद अलबरूनी, तो इसका आंसर ए होगा हरिशेण। हर्षचरित हरिशेण की नहीं बल्कि बाणभट्ट की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, किस वेद में कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। काफी फेमस स्टेटमेंट है, अथर्ववेद का स्टेटमेंट, अथर्ववेद में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में जा रहे हैं, कौन सही सुमेलित क्रम है, सही सुमेलित बताना, मतलब इनमें से वैनसांग है, वैनसांग फायान इत्सिंग मैगस्थनीज, मतलब कौन सबसे पहले आया था, मैगस्थनीज इत्सिंग फायान और वैनसांग, मैगस्थनीज फायान वैनसांग और इत्सिंग, इत्सिंग मैगस्थनीज फायान और वैनसांग, ये इसके स्टेटमेंट है, सही बताना है सही सबसे क्रम। तो मौर्य काल में मैगस्थनीज आया था वैसे ये स्टेटमेंट, उसके बाद फायान, उसके बाद वैनसांग, इसका आंसर ये है सी, मैगस्थनीज सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय, फायान चीनी यात्री चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय, वैनसांग हर्षवर्धन के समय और इत्सिंग उसके बाद, तो ये इसका आंसर सही होगा इत्सिंग। क्वेश्चन नंबर 20 में जा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20, सही क्रम क्या है, आपको सही क्रम बताना है, फिर से सही सीक्वेंस बताना है। एलन बरो लॉर्ड हार्डिक प्रथम, ये हार्डिक प्रथम एक साथ होगा, और कौमा ऑकलैंड डलहौजी, ऑकलैंड एलन बरो हार्डिक प्रथम डलहौजी, एलन बरो ऑकलैंड हार्डिक प्रथम और डलहौजी, डलहौजी ऑकलैंड हार्डिक प्रथम और एलन बरो, तो सबसे पहले इसके हिसाब से होना चाहिए ऑकलैंड, ऑकलैंड एलन बरो हार्डिक प्रथम, इसका आंसर होगा बी, ए बी है इसका आंसर क्लियर, ऑकलैंड पहले फिर एलन बरो हार्डिक प्रथम और डलहौजी। 20 क्वेश्चन अब आपके पास है, 21वां क्वेश्चन है, वार्षिक पत्रिका पूर्वासी उत्तराखंड से का क्वेश्चन है, का प्रशासन कहाँ से किया जाता था, मतलब कहाँ से निकलती थी, तो इसका आंसर होगा अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से निकलती थी पूर्वासी, उत्तराखंड का क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की विधानसभा में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब पारित हुआ था, इसका फिक्स आंसर है 2 मई 2017 को, उत्तराखंड की विधानसभा में जीएसटी कब पारित हुआ था, तो 2 मई 2017 को हुआ था। इनमें कौन पर्वतारोही नहीं है पूछा है, चंद्रप्रभा अथवाल पर्वतारोही है, सविता कंसवाल जिनकी मृत्यु हो गई थी अभी वो भी पर्वतारोही, हर्षवंती बिष्ट पर्वतारोही, तारा रावत ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनका संबंध क्रिकेट से है तो क्रिकेट खिलाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, चंद्र सिंह राही का संबंध किससे है, तो गढ़वाली गायक जौनसारी कवि, कुमाऊनी गायक, जौनसारी संगीतकार, तो इसका आंसर होगा गढ़वाली गायक, चंद्र सिंह राही गढ़वाली गायक। क्वेश्चन नंबर 25, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है, सिंहनाद भजन सिंह, वेदमाला हरिराम धसमाणा, हिमालय के खस मदन चंद्र भट्ट, उठो गढ़वालियो सत्यनारायण रतुड़ी, इसमें बताना आपने कौन सुमेलित नहीं है मतलब गलत है, तो इसका आंसर सी होगा हिमालय के खस, हिमालय के खस मदन चंद्र भट्ट की पुस्तक नहीं है, तो इसका आंसर है सी, 25 का सी आंसर। और हिमालय के खस जो रचना है वो डीडी शर्मा की होगी, हिमालय के खस डीडी शर्मा की पुस्तक, डीडी शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 26वां क्वेश्चन, किस ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में पंचशाला भूमि बंदोबस्त, ये हुआ है 1828 में, ट्रेल का टाइम पीरियड है, 1828 से 33 हुआ है पंचशाला भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कौन सुमेलित है इस बार, मतलब सही है बताना आपने, हथकरघा उद्योग देहरादून, गलत है, हैंडक्राफ्ट मतलब अधिकतर उद्यम सिंह नगर होना चाहिए, चूना उद्योग ये भी देहरादून होना चाहिए, ये भी गलत है, चीनी उद्योग उद्यम सिंह नगर चीनी ये चल जाएगा, और खेल का सामान नैनीताल शिवालिक हिमालय या देहरादून, ये गलत है, मतलब इसका आंसर है सी, चीनी उद्योग उद्यम सिंह नगर, सुमेलित बताना था हमने। क्वेश्चन 28, सही उत्तर छांटना है आपने, हिमालयी संग्रहालय नैनीताल, राज्य विधि कॉलेज भवाली, ये तो गलत है,
राज्य विधि कॉलेज गोपेश्वर में है, हिमालय संग्रहालय उत्तरकाशी, हिमालय संग्रहालय दोनों एक जैसे लग रहे हैं, हिमालयन हिमालयन होना चाहिए, हिमालयन संग्रहालय, इसका हिमालयन संग्रहालय क्योंकि दो अलग अलग हैं, आप भी पढ़ा होगा आपने, हिमालय संग्रहालय अलग है, हिमालयन संग्रहालय अलग है, तो हिमालयन संग्रहालय कर दिया हमने इसे, तो इसका मतलब ये भी हिमालय लन संग्रहालय होगा तो गलत होगा, हिमालय संग्रहालय होगा तो क्योंकि इसका ये उत्तर सही होना चाहिए, हिमालय संग्रहालय उत्तरकाशी और हिमालय संग्रहालय नैनीताल, वैसे इसके हिसाब से देख के सही लग रहा था क्योंकि इसका आंसर डी लग रहा है, तो क्योंकि उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय गोलापार हल्द्वानी में है, ये सही है इसका आंसर, तो क्योंकि हमसे पूछा है कि सही उत्तर छांटी, तो इसके हिसाब से इसका उत्तर डी है, तो यहाँ पर यन होगा हिमालयन, अगर हिमालय होगा तो नैनीताली हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए डी इसका आंसर माना हमने, तो हिमालयन संग्रहालय पूछे तो उत्तरकाशी और खाली हिमालय संग्रहालय पूछे तो नैनीताल। चलिए थोड़ा सा हाँ पेपर में भी मिस प्रिंट टाइप का लग रहा है कई जगह, वो मिस प्रिंट हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो, मतलब कहाँ पर करेक्शन करना है हम कर रहे हैं यहाँ पर। 2022 में राजकीय मेला घोषित क्रांति दिवस मेला कहाँ आयोजित किया है, उत्तराखंड के क्रांति दिवस मेले को 2022 में राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है, तो ये कहाँ होता है, तो ये पौड़ी में होता है क्रांति दिवस मेला। वर्ष 2021 में उत्तराखंड में वृक्ष आच्छादित क्षेत्र, 2021 की वन रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आर ओ के लिए भी वन रिपोर्ट क्लियर करनी पड़ेगी आपको, उसमें कह रहा वृक्ष आच्छादित, वृक्ष पूछा है वन नहीं, 1.87 इसका आंसर है, वृक्ष आच्छादित क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैरव घाटी उत्तरकाशी नदी तंत्र से क्वेश्चन है, भैरव घाटी उत्तरकाशी संगम स्थल है किन नदियों का, यमुना रुद्रगंगा ये नहीं हो सकता, भागीरथी जाड़गंगा, भागीरथी रुद्रगंगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होना सबसे शुद्ध है, भागीरथी रुद्रगंगा, यमुना जाड़, ये तो हो नहीं सकता था, तो इसका आंसर है बी भैरव घाटी, भागीरथी और जाड़गंगा। नेक्स्ट है मूक अथवा अदृश्य व्यापार, क्वेश्चन नंबर 32 है, मूक अथवा अदृश्य व्यापार करने वाली उत्तराखंड की जनजाति, आपको पता है ये है राजी जनजाति, क्योंकि राजी बहुत पिछड़े हैं तो इसलिए समाज की मुख्यधारा से दूर रहते हैं। उत्तराखंड का न्यूनतम SC जनसंख्या वाला जिला पूछा है, और हमने SC जनसंख्या के लिए फॉर्मूला बनाया था कि HCBD ऐसे, तो हरिद्वार में न्यूनतम जनसंख्या, ये HC मतलब SC जनसंख्या के बारे में आपको कंफ्यूज हो तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, अनुसूचित जनजाति में, इसमें क्या होगा, हरिद्वार में सबसे ज्यादा SC है और चंपावत में सबसे कम SC है और बागेश्वर में सर्वाधिक 80% है और देहरादून में सबसे कम 80% है, तो HCBD फॉर्मूला बना। अब जो पूछ रहा है न्यूनतम SC जनसंख्या पूछा है, तो इसका मतलब चंपावत इसका आंसर होगा, ये फॉर्मूले से हमने सेट किया, तो SC का फॉर्मूला HCBD है। क्वेश्चन नंबर है उत्तराखंड राज्य प्रेरणा दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है, उत्तराखंड राज्य प्रेरणा दिवस, तो प्रश्न अच्छा है फिर से, तो इंद्रमणि बडोनी तो हो नहीं सकता, 24 दिसंबर होता है, इंद्रमणि बडोनी का जन्म 24 दिसंबर को, लोक संस्कृति दिवस होता है ये तो है नहीं, इसका मतलब गोविंद वल्लभ पंत का 10 सितंबर को है ये हो नहीं सकता, गौरव दिवस है उत्तराखंड गौरव दिवस, ये भी नहीं है इसका आंसर। सिरदेव सुमन किसके सम्मान में मनाया जाता है, सिरदेव सुमन 25 जुलाई और 25 मई को मनाया जाता है वृक्षारोपण दिवस, तो ये भी नहीं है इसका आंसर, तो इसका मतलब नरेंद्र सिंह नेगी गणरत्न, नरेंद्र सिंह नेगी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे कम ऊंचाई पर स्थित चार धाम, सबसे कम ऊंचाई पर स्थित चार धाम यानी गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ और केदारनाथ, सबसे कम ऊंचाई पर, इसका फॉर्मूला था क केदारनाथ, यो बद्रीनाथ, बो और गो गंगोत्री, सबसे कम ऊंचाई पर गो है तो गंगोत्री इसका आंसर होगा, सबसे अधिक ऊंचाई पर केदारनाथ है, फिर यमुनोत्री है, फिर बद्रीनाथ और फिर केदार, तो को यो बो गो इसका आंसर ऊंचाई के हिसाब से। नेक्स्ट है हिस्ट्री का क्वेश्चन, सिंहपुर का यदु राजवंश कहाँ राज करता था उत्तराखंड में, तो इसका आंसर होगा यदुवंशी कालसी कालकूट में राज करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदेव कत्यूरियों के, भूदेव कत्यूरी
कत्यूर के किस परिवार का शक्तिशाली राजा थे, तो इसका आंसर होगा द्वितीय परिवार। कत्यूर में चार परिवार जो हम पढ़ते हैं, मेनली तीन है और चौथा परिवार जो गढ़वाल तक सीमित था, उसमें से भूदेव दूसरे परिवार के सदस्य हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहां से हम लोग उद्यान चंद द्वारा चंद राजा बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किस काल में करवाया गया था। तो हमें बालेश्वर मंदिर काफी फेमस है चंपावत का, तो उसका निर्माण काल उद्यान चंद का टाइम पीरियड से हमें कुल मिला के, तो इसका आंसर होगा 1420 से 21। ये थोड़ा टफ था क्वेश्चन क्योंकि डेट पता होना मुश्किल है। अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा की शुरुआत करने का श्रेय किस चंद राजा को है, फिर से चंद राजा है, इसका आंसर होगा रुद्रचंद। रुद्रचंद ने हायर एजुकेशन के लिए, संस्कृत शिक्षा के लिए लोगों को श्रीनगर और प्रयाग, काशी, इलाहाबाद भेजा था, तो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रवंशी क्वेश्चन था ये दो, फिर से क्वेश्चन चंद्रवंशी दिख रहा है। किस चंद राजा ने पानीपत के तृतीय युद्ध में यानी 1761 में मुगल बादशाह की ओर से सेना भेंट की थी, तो इसका आंसर होगा उस समय यानी 1761 में चंद राजा दीपचंद, इसका आंसर होगा। देहरादून को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया, तो 1975, ये फिक्स क्वेश्चन है पहले से ही। उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन कब हुआ, हम उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के दौरान इसे पढ़ते हैं कि उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के दौरान उत्तराखंड उत्थान परिषद कब बना था, अगर ऐसा आ जाए तो इसका आंसर होगा मई 1988, अप्रैल 1986 नहीं हो सकता, जनवरी 1979 नहीं होगा, जनवरी 1939 ये कुमाऊं, इसका आंसर रहेगा ए 30-31 मई 1988 उत्तराखंड उत्थान परिषद। चलिए टिहरी राज्य की प्रथम जनगणना कब करवाई, ये फिक्स क्वेश्चन है, 1921 में 1921 में टिहरी राज्य की पहली जनगणना हुई, राजा नरेंद्र शाह ने करवाई थी, नरेंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के हिस्ट्री से क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के उत्तराखंड आगमन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, यानी 1929 की बात है, वैसे तो महात्मा गांधी कई बार यहां पर आए हैं, उत्तराखंड आगमन के समय कुमाऊं कमिश्नर पर्सी मिंटम, स्टीफ ओकले, इवर्टसन, इसका आंसर होगा स्टीफ, 1929 की बात। अब वैसे बहुत टफ था क्योंकि अनुमान लगाना मुश्किल था, जब कौन सी गांधी यात्रा, मेनली 1929 में जब उन्होंने बहुत लंबे समय तक, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण पूर्व रेलवे, तो इसका आंसर होगा कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य ये होगा, ये दक्षिण पूर्व मध्य पूछता तो ये होता, और विशाखापट्टनम दक्षिणी तटीय रेलवे होगा, और भुवनेश्वर दक्षिण पूर्व तटीय रेलवे होगा, तो इसका आंसर ठीक है कोलकाता ही होगा। 45 क्वेश्चन अब हम कवर चुके हैं लगभग, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है, नाथपा झाकरी और तुलबुल परियोजनाएं के क्रमशः किन नदियों पर है, नाथपा झाकरी सतलज नदी पर है वैसे हिमाचल की, तो इसका आंसर सतलज से शुरू होगा कुल मिला के, और तुलबुल झेलम, मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है सतलज और झेलम। नाथपा झाकरी और कोल्ड डैम बांध परियोजनाएं वैसे सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश की प्रमुख परियोजनाएं मानी जाती हैं, और इसका आंसर सी की तरफ चला गया, सतलज और झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, कौन गलत है बताना है। दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में है, कोडरमा झारखंड में है, तालचेर कोयला छत्तीसगढ़, ये गलत लग ये है, इसका आंसर होगा उड़ीसा, उड़ीसा में तालचेर, उड़ीसा कोयले के लिए ही फेमस है लेकिन है उड़ीसा में, कोयम्बटूर ठीक ही हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 47 का था सी। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर पूर्व का कौन सा राज्य, नॉर्थ ईस्ट का कौन सा राज्य विदेशों से सीमा नहीं बनाता है, इसमें नॉर्थ ईस्ट के जो सेवन सिस्टर्स हैं और प्लस सिक्किम, वो विदेशों से सीमा नहीं बनाता है, पूछ रहा है, असम तो बनाता है, असम भूटान से लगता है, तो मेघालय वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से लगता है, ये नहीं हो सकता, नागालैंड भी वहाँ म्यांमार वगैरह से लगता है, तिब्बत से, तो इसका आंसर होगा ये कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कौन बना नहीं बनाता, सभी बनाते हैं। कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा नहीं है पूछा है, मतलब गर्म है, कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा नहीं है, लेब्राडोर ठंडी है, उवाशियो ठंडी है, अलास्का, बेंगुला सब ठंडी है, अलास्का की गर्म होगी मेरे ख्याल से, मतलब कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा नहीं है पूछा है, तो नहीं है मतलब अलास्का की गर्म है, ये गर्म है और सब ठंडी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 में आगे हम लोग, गलत कथन बताना है आपने, गलत कौन सा है, महासागरी मैदान सबसे बड़े भाग हैं, सही है,
मतलब महासागरीय स्थलाकृति में सबसे बड़े मैदान भाग महासागरीय मैदान है। सबसे बड़ा कटक अटलांटिक महासागर मध्य में है, ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ये भी सही है। सुंडागर्त सबसे गहरे समुद्र का भाग है, नहीं सुंडागर्त सबसे गहरा गर्त तो मैरियाना है, वो भी प्रशांत महासागर का है, तो इसका तो नहीं हो सकता सुंडागर्त। तो इसका कौन गलत है, तो डी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, ज्योग्राफी की क्वेश्चन है। यहाँ पर एशिया की सबसे लंबी नदी पूछी है, कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेकांग या यांग टी सी क्यांग? चाइना में, चीन में है एशिया की सबसे लंबी नदी। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा कथन गलत है बताना है फिर से आपने, गलत कथन बता देना। भारत का सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, मतलब पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि उत्तर प्रदेश में हुई है, गलत बताना है। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वाला राज्य मेघालय है। भारत का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य महाराष्ट्र है और सर्वाधिक साक्षरता वाला संसाधित प्रदेश पुडुचेरी है। कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 52 है आपके पास। भारत का सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, नहीं ये गलत है। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वाला राज्य मेघालय है, ये भी गलत है। नागालैंड है, इसका आंसर नागालैंड होगा, माइनस में है वहां पर, -0.6, और इसका मेघालय होगा, यानी दोनों गलत थे। भारत का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य महाराष्ट्र, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, ये भी गलत है। इसका आंसर हिमाचल होना चाहिए, हिमाचल है इसका आंसर, यानी तीनों गलत है अभी तक, एकमात्र सही है। अब पूछा क्या है, कौन सा कथन गलत है? तो गलत तो तीनों है, तीन में ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब ये आंसर होता है कौन सा कथन सही है होना चाहिए था। यहाँ पर सही है, तो सही है पूछता तो केवल ये होता, सर्वाधिक साक्षरता वाला संसाधित प्रदेश। तो इसका आंसर वैसे सर्वाधिक साक्षरता वाला संसाधित प्रदेश पुडुचेरी, ये सही है, ये तीनों गलत है। यहाँ पर मेघालय होना चाहिए, यहाँ नागालैंड होना चाहिए, यहाँ हिमाचल होना चाहिए। तो क्वेश्चन जैसे पूछा कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर होना चाहिए कौन सा कथन सही है, सही है तो केवल ये है। क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या UKSSC की तरह बहुत सारी मिस्टेक आ रही है क्वेश्चन पेपर बनाने में। एक्चुअली जो ये क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा था, तो यहाँ पर मैं इसे अंतिम रूप से चेक नहीं कर पाया था, क्योंकि उस समय में अनुपस्थित होने की वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कहीं पर ज्यादा मिसप्रिंट हो रखा है, लेकिन मैं आंसर आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 53, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को भारत में सर्वाधिक सर्वप्रथम कब लागू किया गया था? पृथक निर्वाचन मंडल पूछ रहा है कब लागू किया, तो 1909 के अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन यानी मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया था 1909, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन, विधि भारत का पहला विधि आयोग का गठन कब हुआ, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ था, 1835 कहना चाहिए इसे, पहला विधि आयोग। किस मुगल बादशाह ने कंपनी को 26 लाख रुपयों के एवज में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी? तो इसका आंसर होगा शाह आलम सेकंड, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। उत्तराखंड में औसतन जोत का आकार कितना है पूछता है, तो इसका आंसर बहुत बार आ भी चुका प्रश्न, 0.89, नहीं कहीं पर 0.88 सब देता है देखो, लेकिन सर सही उत्तर ये माना जाना चाहिए। उत्तराखंड में सार पद्धति का संबंध किससे है, तो सार फसल चक्रण पद्धति है उत्तराखंड की, तो ये भी उत्तर इसका होगा 57 का बी। क्वेश्चन नंबर 58 है, अंतर्राज्यीय जल विवादों की सुनवाई संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो दो राज्य के बीच जो जल विवाद है तो वो है अनुच्छेद 262। अच्छा कंप्यूटर का क्वेश्चन है नेक्स्ट 59, कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? डॉस कंपाइलर ये नहीं है, यूनिक्स नहीं है, विंडीजन नहीं है, इसका आंसर है डॉस, DOS। कंप्यूटर का क्वेश्चन था, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में जा रहे हैं हम लोग। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो वह प्राप्त करता है, तो इसका आंसर होगा IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं हम इसे, कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ने की प्रोसेस को। तो ये था हमारे 60 क्वेश्चन अब तक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग फिर से कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कौन सी कंप्यूटर स्मृति नॉन वोलेटाइल है, तो इसका आंसर कई बार आ चुका है रोम, रीड ओनली मेमोरी। सबसे तेज संचरण माध्यम UTP तार, फाइबर ऑप्टिकल, आजकल यही चल रहा है काफी, तो इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 63 साइंस का क्वेश्चन दिख रहा है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण ब्लड प्योरिफिकेशन कहाँ होता है, तो इसका आंसर होगा किडनी में।
प्रोटियम और ट्राइटियम किसके समस्थानिक, आइसोटोप्स पूछा है यहाँ पर, प्रोटियम और ट्यूटियम, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यानी 1s1, 1s2 और 1s3a। क्वेश्चन नंबर 65, फिर से इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, AITUC एटक का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1920 में, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बनाई गई थी एटक का गठन। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर है हीरालाल समारिया, इन्हें भारत का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। करंट का क्वेश्चन था भारत पे। क्वेश्चन नेक्स्ट, फिर से करंट, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 किसने जीती है, तो इसका आंसर है भारत, भारत ने जापान को हराया था 4-0 से, तो ये बहुत महत्वपूर्ण मैच था, तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम है भारत। फिर से करंट का क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते 68 में हम लोग अब भारत श्रीलंका संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आंसर है पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है भारत और श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट भी काफी पूछ रहे हैं आज की डेट में, तो हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मिथिला का नामकरण किस देश ने किया, तो मालदीव ने किया इसका नामकरण। क्वेश्चन नंबर 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान किसका है, तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर था पदक तालिका में, 37वें राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 71, वर्ष 2023 में उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित नहीं किया गया है, पूछा है यहाँ पर, ध्यान रखना है, उत्तराखंड गौरव पुरस्कार में बसंती बिष्ट को किया गया है, माधुरी वर्तवाल, राजेंद्र रावत, इसका आंसर ये होगा नहीं किया गया है, और सच्चिदानंद भारती, ठीक है, तीनों को किया गया है, तो 71 क्वेश्चन था जिसमें नहीं किया गया, पूछा था उत्तराखंड के किस स्थल को ट्रैक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार मिला है, तो इसका आंसर है कड़वाश्रम को ट्रैक ऑफ द ईयर 2023। 15वां कुमाऊनी राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो इसका आंसर होगा पिथौरागढ़ में, 73। चलिए 73 क्वेश्चन अब हमारे पास है, अब अभी तक रीजनिंग का जिक्र नहीं हुआ है, तो कुछ प्रश्न रीजनिंग के भी यहाँ पर मिल सकते हैं, और अभी करंट चल रहा है, यहाँ देखते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा गंगा के प्रहरी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, या किसके द्वारा लिखी गई, तो ललित सौरी जी की पुस्तकें हैं बहुत सारी, नई जो किताब है। कजाकिस्तान में आयोजित एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड की निकिता चंद ने कौन सा पदक जीता है, निकिता चंद का संबंध किससे है, तो चंद यानी पिथौरागढ़ की है, एक दूसरा वो क्या खेलती है, तो बॉक्सिंग, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है बॉक्सिंग में, तो अच्छा सा प्रश्न है। 75 क्वेश्चन अब हमारे पास, 76, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर 3, 8, 19, 36, 59 और 90, यानी यहाँ पर क्या आएगा पूछा है, तो इसका एक क्रम है, तो इसका आंसर मेरे पास 131, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, रीजनिंग को थोड़ा समय लगेगा इसमें, इसलिए आपको सॉल्व करना है इसे, 3, 8, 19, 36, 59 और 90, थोड़ा समय लेने वाला है, टाइम टेकिंग है इसका मतलब, नहीं तो देखते ही बन जाता है, रीजनिंग तो ऐसी चीज़ है। निम्नलिखित में से तीन किसी न किसी प्रकार से समान है और चौथा एक विषम है, तो वह विषम शब्द ज्ञात करें, कछुआ, घड़ियाल, घोंघा, सीपी, घोंघा और सीपी समुद्र में रहते हैं, रेप्टाइल्स वर्ग में आते कि नहीं देखना है, कछुआ भी टर्टल, इसका मतलब मेरे हिसाब से इसका आंसर है घड़ियाल, वैसे सब एक जैसे लग रहे हैं लगने को। यदि बैट रैकेट है, रैकेट फुटबॉल है, फुटबॉल शटल है, शटल लूडो है, तथा लूडो कैरम है, तो क्रिकेट किसके द्वारा खेला जाता है, तो आपको सीधे क्रिकेट पर आना है, और पता है आपको क्रिकेट बैट से खेलते हैं, और आपको क्रिकेट बैट से खेलते हैं, तो हमने यदि बैट रैकेट है, जो बैट है ना क्रिकेट का, वो खैर रैकेट है, ये बैट क्या है, रैकेट, इसका आंसर रैकेट होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ये जो देख के बन जा रहे थे, और वो तो मैं कर दे रहा हूँ सॉल्व, थोड़ा सा जो टाइम टेकिंग है उसे आपने खुद सॉल्व करना है। एक कक्षा में कुल 40 छात्र हैं, छात्र बी की रैंक योग्यता क्रम में नीचे से 41वीं रैंक है, तो शीर्ष से छात्र बी का रैंक पूछ रहा है, वो टोटल 60 ही कह रहा है, और योग्यता क्रम में नीचे से 41वीं रैंक है, 41वीं रैंक, तो इसको माइनस करोगे तो आप
तो ये 19 यानी 10 में से एक 9 19। अब पूछ रहा है कि छात्र बी का रैंक, एक उसका अपना रैंक होगा प्लस 1 यानी खुद भी है वो, तो इसका मतलब 20, इसका आंसर 20, ऑप्शन 20 ये होना चाहिए इसका आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 80वां क्वेश्चन है, कोई कॉफी बटर नहीं है, मतलब कॉफी, ये कॉफी है, बटर नहीं है, ये बटर है और ये कॉफी है, कोई कॉफी बटर नहीं मतलब अलग अलग है। दूसरा, कोई बटर क्रीम नहीं है, यानी क्रीम एक और क्रीम, सी आर लिख देता हूं, क्रीम तीन आगे अलग अलग। अब जो निष्कर्ष निकले यहां पर, कोई बटर क्रीम नहीं है, ये बटर है ये क्रीम है, ठीक है ये सही है, इसका आंसर ये तो सही होगा। सभी क्रीम बटर है, सभी क्रीम बटर, ये नहीं हो सकता, ये गलत है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, मेरे हिसाब से इसका आंसर सी है, ये सबसे शुद्ध है, सबसे सही है, दोनों निष्कर्ष एक और दो अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष सही है, इसका आंसर सी। चलिए सिंपल था क्वेश्चन नंबर 81, हिंदी से यहां पर क्वेश्चन दिख रहा है। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म, युग्म सही नहीं है पूछा, मतलब इनमें से एक ऐसा युग्म है जो सही नहीं है, सरोवर पुष्कर ये तो ठीक है, सरोवर तालाब पुष्कर, फणी उरग ये भी सही है, पुरंदर अमरपति इंद्र के लिए आता है ये भी सही है, जलधि अम्बुद, जलधि तो सागर होता है, अम्बुद बादल होते हैं, तो इसका मतलब ये होगा, इसका आंसर सी है, सी 81 का सी। चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ जा रहे हैं हम लोग, हिंदी शुरू हो रखा है अभी यहाँ पर, अभी तक हिंदी के क्वेश्चन दिख नहीं रहे थे बहुत ज्यादा, अब यहाँ पर पूरा हिंदी होगा लगता है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, मतलब हमने इसमें आर ओ आर ओ जरूर लिखना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह आर ओ आर ओ का जैसा पेपर होता है, क्योंकि जो एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट रहते हैं, तो ये कॉमन पेपर होते हैं, इसको हम लोग अपने यहाँ पर जो ऑफलाइन क्लासेज होती है वहाँ पर करवा रहे होते हैं, तो हम लोग इसको आपके साथ शेयर कर देते हैं ताकि आपको कुछ फायदा हो जाए, ये रहता है उद्देश्य, कुछ करंट के क्वेश्चन आ जाते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है पूछा है, शुद्ध वर्ग बताना है आपने, तो सिंह पंचानन नाहर मृगारी सही लग रहा है, अच्छा शुद्ध है बताना है आप, रवि सूर्य दिनकर तरणी, तरणी तरणी यहाँ पर तो ऋणी ये होना चाहिए, सूर्य के लिए तो ये आता है तब सही माना जाएगा शुद्ध। अग्नि पावक अनल पिसुन, पिसुन तो इसका आंसर अशुद्ध, शुद्ध है। और महेश रमेश भूतेश सतीश, तो आपको इसमें से शुद्ध बताना है कुल मिलाकर, तो इसका आंसर बी, अगर शुद्ध पूछता है तो ये सूर्य रवि दिनकर तरणी, ये तरणी थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखना है, वैसे त तरणी ये सही शब्द होगा इसमें यहां पर जो आया है, और तो कोई मैच नहीं कर रहा क्योंकि इनके साथ ये मैच नहीं करेगा, महेश रमेश भूतेश सतीश सतीश ये भी मैच नहीं करता है, सिंह पंचानन नाहर मृगारी ये भी सही है, वैसे वैसे तो सब सही है मेरे हिसाब से, इसका आंसर बी होना चाहिए इसके हिसाब से, लेकिन अगर बी नहीं है तो फिर यहाँ होना चाहिए पर्यायवाची की दृष्टि एक वर्ग शुद्ध नहीं है पूछना चाहिए, नहीं है तो नहीं है तो फिर सी हो जाएगा, वैसे ये भी सही हो जा रहा, नहीं तो ये भी सही है लगभग लगभग, तो पूछा क्या है एक वर्ग शुद्ध है, शुद्ध है तो और अशुद्ध है, तो शुद्ध तो दोनों निकल आ रहे हैं, ये भी शुद्ध है और तरणी हमने इसको तरणी कर दिया था तो ये भी शुद्ध होगा, और ये नहीं हो सकता, तो शुद्ध नहीं है पूछता है तो इसका आंसर सी है, शुद्ध है पूछता है तो ये भी शुद्ध है, इसका ये शुद्ध हो जाएगा, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे तो हमने दोनों टाइप से सेट कर दिया उसको, मैंने कहा ना थोड़ा सा लिखने में आगे पीछे हो रखा है इस वजह से। आविर्भाव शब्द का विलोम बताना आपने, अनाविर्भाव विभाव आविर्भाव तिरोभाव, इसका आंसर होगा तिरोभाव। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, विलोम है त्रुटिपूर्ण है कह रहा है, आयात निर्यात ठीक है, दृश्य अदृश्य ठीक है, प्रत्यक्ष परोक्ष ठीक है, आमिष सामिष ये गलत लग रहा है, आमिष निरामिष कुछ इस टाइप का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85, जिसके हृदय में आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना है, मर्माहित मर्माहत मर्माहुत मर्माहुत ये होगा इसका आंसर, अथाह शब्द के लिए एक वाक्य, अथाह शब्द जिसकी गहराई नापी जा सके, जिसकी गहराई न नापी जा सके, अथाह ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 में जा रहे हैं हम, 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ है, बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय में कम काम करना, 9 दिन चले 2.5 कोस
इसका आंसर होगा बहुत धीमी गति से काम करना, इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भी काफी कुछ। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मड़े जाते का अर्थ बताना है। कंजूसी करना, सीमित साधन से काम चलाना, छोटा होकर बड़ा काम करना, सीमित साधन बड़े काम नहीं होते, इसका आंसर होगा डी, सीमित संसाधनों या साधन से बड़े काम नहीं होते, इसका मतलब ये। क्वेश्चन नंबर 88, जननी तू जननी भई विधि सन कछुन वसाय में कौन सा अलंकार है, तो इसका आंसर है जननी तू जननी भई, तो इसका आंसर है लाटानुप्रास, क्योंकि ये अनुप्रास अलंकार का टाइप है लाटानुप्रास। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानव हुआ के वेग से सोता हुआ सागर जगा, मैं अलंकार मानो मनु मानव जनु जानो, तो इसका आंसर होगा उत्प्रेक्ष अलंकार। रहीम रत्नावली के रचनाकार कौन है, तो रहीम दास। 90 क्वेश्चन अब हमारे पास है, अब चाहे लास्ट 10 क्वेश्चन लास्ट पेज अब हमारे पास होगा, हिंदी चल रहा है फिलहाल यहाँ पर 91। चलिए थोड़ा सा छोटा किया साइज। अब इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है, पूछा है रीति मुक्त कवि नहीं है, इसका आंसर होगा भूषण, वीर रस के कवि हैं भूषण। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ, सिंधी यानी हरियाणवी ब्राचड़, इसका आंसर होगा ब्राचड़। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है, अल्प प्राण और महाप्राण, इसका आंसर ये है चौ, अल्प प्राण। चलिए नेक्स्ट, द्वा वपी का संधि विच्छेद क्या होगा, द्व प्लस अपी, इसका आंसर होगा ए, अशुद्ध बताना आप, आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, इनमें से अशुद्ध वाक्य बताना, अशुद्ध जो अंतर्धान सही है, अनुग्रहित सही है, आध्यात्म ये गलत है, अध्यात्म होना चाहिए तो ये गलत है, और अधीन भी सही है, ये सही है, इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 96 में हम निम्न में से तत्सम की दृष्टि शुद्ध बताना है, शुद्ध बताना है तत्सम की दृष्टि, शाटिका रस्सी रैन और सरसों, इसका आंसर होगा शाटिका। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, प्रश्न प्रतिष्ठा प्रति उपसर्ग है, अधि अधि है, संस्कार है, उपप्रश्न ये हुआ, इसका आंसर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना आप, सुश्रुवा सुश्रुवा सौ श्रुवा, इसका आंसर होगा ये सुश्रुवा, सबसे शुद्ध होगा। निम्नलिखित में से कौन कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा होगा, चणक महार्घ कति कटु, इसका आंसर होगा कटु। ये हिंदी था लास्ट के 20 क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन जलमग्न शब्द में समास, जल से मग्न तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को कारण से। तो ये था आज का पेपर, यानी मॉडल पेपर नंबर 5 फॉर आरओ एआरओ और अदर जो क्वेश्चन होने जा रहे हैं, और वीडियो जो 31 दिसंबर को वीडियो का एग्जाम होगा उसके लिए भी बहुत मदद करेगा आपकी। चलिए इस सीरीज जारी रहेगी, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपके सामने वो होगा भारत के करंट अफेयर का एक कंप्लीट वीडियो, जिसमें सारे क्वेश्चन यानी जनवरी से लेकर नवंबर तक के होंगे, और वो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होगा बल्कि डिटेल फॉर्म होगा, जैसे हमने उत्तराखंड में मैराथन वन बनाया था पूरा डिटेल, वैसे आने वाला है। और फिर से बता रहा हूँ कि जो मेरे द्वारा लिखी गई उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक है उसका नाम है ऑल इन वन, और उत्तराखंड के सभी बुक स्टॉल में उपलब्ध है, और कुछ क्षेत्र जहाँ उत्तरकाशी या रुद्रप्रयाग अभी वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाई है। चलिए आज की क्लास समाप्त करता हूँ यहीं पर, जय हिंद जय उत्तराखंड।